का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना क्या है, दो कारक का सिद्धांत। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दासन जम में। दोस्तों इस वाले चैनल पर आपको केवीएस और रेट की जो बाल विकास जो पेडागोजी वाला आ रहा है वो 60 नंबर का आ रहा है, उसकी सीरीज चल रही है जिसमें मैंने अब तक 10 वीडियो शूट कर सके हैं। आज हम 11 वाली वीडियो शूट करेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बुद्धि के जनक, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि की नींव किसने रखी, ये पूरा डिस्कस कर दी। इस वाली वीडियो हम सिद्धांत कौन कौन से और कुछ सिद्धांतों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला जो सिद्धांत दोस्तों हम बात करेंगे, तो सबसे पहले करते हैं हम एक कारक का सिद्धांत। इसके जनक है दोस्तों बिने, प्लेटो और डेकार्ते। यानी अगर वो आपसे दोस्तों ये पूछे कि एक तत्व सिद्धांत के जनक कौन है, बिने, प्लेटो, डेकार्ते, उसके बाद दोस्तों दूसरा पूछेगा द्वैत तत्व का सिद्धांत, उसके बाद तीसरा पूछेगा दोस्तों त्रिकारक का सिद्धांत, तो दोस्तों इन दोनों के जनक हैं स्पीयरमैन। इन दोनों के जनक कौन है दोस्तों, स्पीयरमैन। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा बहुकारक का सिद्धांत, इसके जनक हैं दोस्तों थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर रहा है समूह कारक का सिद्धांत। इसके जनक हैं दोस्तों थर्स्टन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पुटअप करेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके जनक हैं दोस्तों हावार्ड गार्डनर। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पुटअप करेगा बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। एक और पुटअप करेगा बुद्धि का, इसके साथ में एक और पुटअप कर रहा है दोस्तों बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। इन दोनों के जनक दोस्तों आपको लगाना है जेपी गिलफोर्ड। इसके जनक कौन लगाने, जेपी गिलफोर्ड। उसके बाद दोस्तों आपसे पुटअप करेगा प्रतिदर्श का सिद्धांत। इसके जनक दोस्तों आपको बताने हैं थॉमसन। उसके बाद दोस्तों पुटअप करेगा पदानुक्रमिकता का सिद्धांत। पदानुक्रमिकता का सिद्धांत, इसके जनक हैं दोस्तों फिलिप बर्नन। उसके बाद दोस्तों हमें बताना है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। एक और पूछेगा दोस्तों क्रिस्टलाइज एवं फ्लूइड का सिद्धांत। इन दोनों के जनक दोस्तों हमें बताने हैं आर बी कैटल।
क्लियर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें बताना है बुद्धि ए कौमा बी कौमा सी का सिद्धांत। उसके बाद बताना बुद्धि क कौमा ख का सिद्धांत, और उसके बाद बताना बुद्धि क कौमा ख कौमा ग का सिद्धांत। इन तीनों के जनक हमें बताने हैं वो दोस्तों। कौन बताने है? बताने। अब एक और लिख देते हैं दोस्तों, एक ऊपर लिख देते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं त्रितंत्र का सिद्धांत। यहां पर लिख देते हैं हम त्रितंत्र का सिद्धांत। इसके जनक हैं दोस्तों स्टीनबर्ग या स्ट्रेंगनर। ये इतने सिद्धांत बुद्धि के हैं। अब इसमें से कुछ सिद्धांत हम आज वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब वो इनमें से एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली पुट अप करेगा कि बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया, दो कारक का सिद्धांत किसने दिया, त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया, समूह कारक का, बहुकारक का सिद्धांत। एक कारक के पूछे तो बिने प्लेटो डेकार्टे हैं, दो कारक और त्रिकारक के पूछे तो स्पीयरमैन है, बहुकारक के पूछे तो थॉर्नडाइक है, समूह कारक के पूछे थर्स्टन है, और बहुबुद्धि के पूछे हावर्ड गार्डनर, बुद्धि की संरचना त्रयामी के पूछे जेपी गिलफोर्ड है, और समूह कारक के थर्स्टन है, और प्रतिदर्श के थॉमसन, पदानुक्रमकता के फिलिप बर्नर, तरल और ठोस बुद्धि कैटल, ए बी सी क ख ग या ए बी के पूछे तो हैव है, और त्रितंत्र का सिद्धांत के जनक पूछे तो स्टेनबर्ग या स्टर्न। अब इसमें सबसे पहले जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो वाला पढ़ेंगे एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत। अब एक तत्व के सिद्धांत के जनक कौन है आपको बताने बिने। अब देखना कि एक तत्व के सिद्धांत को बिने ने माना क्या है। तो देखो हम देखते हैं कि इन्होंने इसको एक अविभाज्य इकाई माना है। ये इसका डायग्राम है और इसको उन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों, अविभाज्य इकाई। क्या नाम दिया है इसको, अविभाज्य इकाई नाम दिया है। और एक और बात और आती है, इसको दोस्तों हम निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, निरंकुशवादी सिद्धांत बोलते हैं। अब समझना इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा बिने ने माना कि व्यक्ति में बुद्धि संपूर्ण रूप से एक तत्व में पाई जाती है। अब एक तत्व के सिद्धांत के जनक बिने हैं दोस्तों। अब वो ये क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकता है कि निरंकुशवादी सिद्धांत किसको कहते हैं, एक तत्व के सिद्धांत को। अविभाज्य का एक सिद्धांत मानी जाती है, एक तत्व सिद्धांत। अब बिने ने ये माना था दोस्तों कि मनुष्य में जो बुद्धि है वो संपूर्ण रूप से सिर्फ एक तत्व में पाई जाती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी जिस वजह से इसको क्या माना गया, अविभाज्य इकाई के रूप में माना गया है। ये हमारा कौन सा सिद्धांत कहलाता है, एक तत्व का सिद्धांत कहलाता है। आप इसको नोट कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं द्वि कारक सिद्धांत में, यानी द्वि तत्व के सिद्धांत में। अब द्वि तत्व के सिद्धांत में क्या बोला उन्होंने दोस्तों, उसको भी देखते हैं। अब देखो द्वि कारक का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों, देखेंगे हम।
इसके जनक दोस्त माने गए स्पीयरमैन। इसके जनक कौन माने गए? अब स्पीयरमैन जो माने गए दोस्तों, इसमें हमें देखना है कि द्वि तत्व कौन कौन से हैं। तो एक तत्व तो दोस्तों जी कारक, एक कौन सा हमारा जी कारक दोस्तों, और दोस्तों दूसरा है हमारा एस कारक। जी कारक को दोस्तों हम सामान्य बोलते हैं और जन्मजात बोलते हैं। एस कारक को दोस्तों हम विशिष्ट बोलते हैं और अर्जित बोलते हैं। अब समझना इसको दोस्तों, मैं इसको डायग्राम के बीच समझाऊंगा आपको और कोशिश करूंगा अच्छी तरह से समझाने की। ये इसका दोस्तों डायग्राम है, अब ये जो हम बीच में लिखेंगे दोस्तों वो लिखेंगे जी कारक। ये जो पास में हम साइड में लिख रहे हैं वो एस कारक लिख रहे हैं, क्लियर है। अब बात यहां पर एक क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि द्वि कारक का सिद्धांत क्या कहलाता है, ये परिभाषित करिए। तो हमें समझना क्या है, नोट डाल के आपको यहां पर पढ़ना है जो मैं इधर लिख रहा हूं। द्वि कारक सिद्धांत में एक जी कारक तथा कई विशिष्ट कारक होते हैं। अगर दोस्तों उसने ये बात बोली कि द्वि कारक का सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, तो मैंने लिखा है द्वि कारक सिद्धांत में एक जी कारक होता है और कई विशिष्ट कारक होते हैं, यानी एस कारक होते हैं। तो देखो डायग्राम को देखेंगे तो एक तो जी कारक है जो आपको दिखाई दे रहा है, और जो मैंने आसपास लिखे ये कई विशिष्ट कारक हैं, यानी जी कारक प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से पाया जाएगा। और जो एस कारक को जो मैंने अर्जित लिखा है दोस्तों, ये अपनी योग्यता के आधार पर व्यक्ति अर्जित करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति केवीएस की तैयारी कर रहा है, एक व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा है, एक व्यक्ति पुलिस की तैयारी कर रहा है और एक व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है। तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो एस कारक होता है उसको व्यक्ति अर्जित करता है, और जी कारक जो होता है वो हमेशा जन्मजात पाया जाता है। और मैंने आपको इतना भी बताया था जो पहली वाली वीडियो में कि जी कारक जन्मजात और एस कारक अर्जित होता है। तो मान लेते इसको मैं 30% लिख लूँ और इसको दोस्तों मैं 70% लिख दूं, तो दोनों को जोड़कर 100% जो हमारी बुद्धि बनती है वो उसको माना गया है। अब इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे हम, देखो समझना आप इस वाले को, नोट डाल के थोड़ा पढ़ेंगे समझना। पहला पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक समान रूप से पाया जाता है। जिस व्यक्ति में जी कारक सबसे अधिक होता है वह बुद्धिमान होता है। अब दूसरा पॉइंट हम अगर देखें दोस्तों,
एस कारक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित करता है। अब समझना दोस्तों, बड़ा स्पीयर में इनका दो कारक का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना क्या है, दो कारक का सिद्धांत दोस्तों ये कहलाता है। मान लेते मैंने आपको ये बताया कि दो कारक का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। कौन कौन से दो कारक होते हैं, एक जी कारक एक एस कारक। अगर आपसे ये पूछे कि दो कारक का सिद्धांत कहलाता क्या है, तो आपको बताना है कि दो कारक के सिद्धांत में एक जी कारक और कई यानी अनेक विशिष्ट कारक होते हैं, वो हमारा दो कारक का सिद्धांत कहलाता है। अब मैंने नोट डाल के यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक समान रूप से पाया जाता है। मैंने कैसे लिखा है, समान रूप से पाया जाता है, यानी वो कौन सा कारक है जो प्रत्येक व्यक्ति में दोस्तों समान रूप से पाया जाता है, वो जी कारक होता है। और जिस व्यक्ति में जी कारक सबसे अधिक होता है वो कैसा होता है, वो सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। अब आपसे ये पूछिएगा कौन सा कारक वैसा है जो प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से पाया जाता है, वो आपको जी कारक बताना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सा कारक है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तब भी वो जी कारक है। और एस कारक है वो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित कर रहा है। कैसे, जो मैंने ये एस लिखे ना, ये बोले ये जो एस कारक है, जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा उसी क्षेत्र में वो अपने आप को अव्वल करेगा और एक अच्छा उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करेगा, उसको एस कारक माना गया। जी कारक सामान्य और जन्मजात होता है, एस कारक विशिष्ट और अर्जित होता है। दो कारक का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट त्रिकारक का सिद्धांत। अब त्रिकारक के सिद्धांत में दोस्तों स्पीयरमैन, अब त्रिकारक का सिद्धांत कौन सा है, देखो दोस्तों हम देखते हैं आगे। एक तो जी कारक है, एक एस कारक है। अब इन दोनों के बीच में जो दोस्तों ये वाला तत्व है, इसको दोस्तों भाषा योग्यता माना है। अगर दोस्तों उसने कहा कि स्पीयरमैन ने अपने त्रिकारक के सिद्धांत में तीसरा तत्व किसको बताया है, तो वो हमें बताना भाषा योग्यता। देखो तीसरा तत्व भाषा योग्यता ये वाली चीज है, देखो त्रिकारक सिद्धांत में तीसरा तत्व भाषा योग्यता माना है। माना है जो जी कारक और एस कारक में अंतःक्रिया कराता है। यानी अगर दोस्तों आपसे ये पूछे, ये वाले सिद्धांत को हम डिफाइन कर रहे हैं, इस वाली वीडियो में आधे करेंगे, आधे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दो कारक को वन कारक का सिद्धांत, वन फैक्टोरियल टू फैक्टर थोड़ी पढ़ चुके हैं। त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, तीन कारक कौन कौन से होते हैं, तो एक जी कारक है, दूसरा एस कारक और तीसरा तो उनका माना भाषा योग्यता। आपसे क्वेश्चन जब भी पुटअप होगा तो दो तरीके से होगा। अगर आपसे ये पूछता है कि त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको बताना स्पीयरमैन।
दूसरे क्वेश्चन पुट ये करेगा कि त्रिकारक सिद्धांत जो माना वो कौन सा माना है, तीसरा तत्व तो हमें बताना भाषा योग्यता। यानी स्पीयरमैन ने अपने थ्री फैक्टर थ्योरी यानी त्रिकारक के सिद्धांत में तीसरा जो तत्व माना है वो भाषा योग्यता माना है, जो जी कारक और एस कारक के बीच में अंतःक्रिया कराता है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट बहुकारक का सिद्धांत। दोस्तों नेक्स्ट कौन सा आता है, बहुकारक का सिद्धांत। देखो अब इसके जो जनक हैं दोस्तों वो हैं थॉर्नडाइक। अब इसके जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। अब तीसरा जो तत्व है जो बहुकारक का सिद्धांत है वो कौन सा है, देखो इसका डायग्राम देखते हैं। ये इसका डायग्राम है। अब इसके डायग्राम को हम देखते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बड़े इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश हो रही है। ये बहुकारक का सिद्धांत है। अब इसके अंदर में हम थोड़े थोड़े महीन टुकड़े और बना देते हैं। अब इसमें जो हम महीन टुकड़े बना रहे हैं इनको थॉर्नडाइक ने दोस्तों बालू नाम दिया है। अगर वो ये बोले कि बालू का सिद्धांत किसने दिया तब भी आपको दोस्तों थॉर्नडाइक बताने हैं। अगर आपसे ये पूछे कि बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया तब भी आपको थॉर्नडाइक बताने हैं। अब थॉर्नडाइक ने दोस्तों ये बात बोली थी कि मनुष्य में तो बुद्धि बहुत से रूपों में पाई जाती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वह उसका प्रयोग करता है वो बहुकारक का सिद्धांत कहलाता है। और अपने इस बहुकारक के सिद्धांत में दोस्तों थॉर्नडाइक ने चार स्वतंत्र प्रतिमान बताए थे। देखो कैसे, अब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा बहुकारक के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत ही बोलते हैं, तो हमें बताना दोस्तों बालू का सिद्धांत। कौन सा बताना है, बालू का सिद्धांत। अगर आपसे ये पूछेगा बालू का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, तो हमें बताना थॉर्नडाइक ने दिया। अब इसके जो स्वतंत्र प्रतिमान दोस्तों बताए हैं वो चार प्रतिमान बताए हैं। अब इन्होंने अपने प्रतिमान अपने इसमें प्रतिमान बताए हैं चार। अब चार प्रतिमान कौन कौन से दोस्तों वो देखने हमें। पहला दोस्तों स्तर, दूसरा दोस्तों परास यानी सीमा, तीसरा है दोस्तों गति और लास्ट में क्षेत्र। अगर आपसे ये पूछता है दोस्तों कि बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। आपसे पूछिए कि बहुकारक के सिद्धांत को किस और सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना बालू का सिद्धांत। अब इसका ये डायग्राम है, इन्होंने ये जो काले काले कलर के मैंने धब्बे जो बनाए हैं ये बहुत सी बुद्धि हैं। मान लेते हैं KBS में 8 से 10 सब्जेक्ट आ रही है एग्जाम्पल के थ्रू, तो जिस सब्जेक्ट का आप पोजिशन करेंगे उस सब्जेक्ट की बुद्धि प्रयोग करेंगे। मान लेते ऐसा नहीं कि अगर मैथ वाला पार्ट आप कर रहे हैं तो मैथ वाले पार्ट में आप साइकोलॉजी की बुद्धि को अपना लें, ऐसा तो नहीं होगा। यानी जिस टॉपिक से यानी जिस पार्ट से आप जो क्वेश्चन करेंगे उस प्रकार की बुद्धि अपनाएंगे, वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है, बहुकारक का सिद्धांत। बालू के सिद्धांत के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। अब वो पूछेगा बहुकारक के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में कितने प्रतिमान बताए, तो चार प्रतिमान बताए हैं।
स्तर पराशसीमा गतियोच्छित। अब इसको नोट डाल के थोड़ा और समझेंगे तब और आपको समझ में आएगा। समझना, इन्होंने क्या किया था, थोंडाइक ने माना कि मनुष्य में बुद्धि बहुत से रूपों में पाई जाती है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वह उसका प्रयोग करता है। अब बात यहां पर यह भी होती है कि मान लेते थोंडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, बहुकारक का सिद्धांत दिया है। अब बहुकारक का सिद्धांत बालू का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसके प्रथमान चार बताए और उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य में जो बुद्धि है वो बहुत से रूपों में पाई जाती है, परिस्थिति के अनुसार वह उसका प्रयोग करता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है, बहुकारक का यानी बालू का सिद्धांत कहलाता है। इतने सारे मैंने आपको सिद्धांत पढ़ा दिए, इस सिद्धांत में मैंने आज आपको चार सिद्धांत पढ़ा दिए, 1, 2, 3, 4। बाकी जो सिद्धांत है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें यानी इन वाले सिद्धांतों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। समूह कारक का सिद्धांत, भावबुद्धि का, बौद्धि संघ, ये बड़े बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवीएस की सीरीज चल रही है, इस वाले चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उससे संबंध मिलेगा, साइकोलॉजी पेडागोजी मिलेगी और पीजीटी मिलेगी। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और चैनल को शेयर भी किया करें, उसको वीडियो को शेयर भी किया करें अपने दोस्तों में जिससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। आप इसको नोट कर सकते हैं, बड़ी आसान भाषा में समझाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है जिससे आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।